आईपीएल 2021 के सीजन के पार्ट टू को लेकर बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है 19 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच हमें दुबई में आईपीएल का पार्ट टू देखने को मिलेगा। और आईपीएल का पार्ट टू काफी करीब आने के कारण और इस साल यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के चलते हुए यहाँ पर कुछ प्लेयर्स आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। इसी वजह से टीमों ने आईपीएल के पार्ट टू के लिए यहाँ पर 5 प्लेयर्स को अपनी टीमों में यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर अपनी टीमों में जगह दी है। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं 5 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आईपीएल के पार्ट टू के लिए कौन से 5 प्लेयर्स के आईपीएल में एंट्री हो चुकी है, कौन से 5 नए प्लेयर्स हमें दुबई में आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर आईपीएल को लेकर, आईपीएल के पार्ट टू को लेकर, सभी टीमों को लेकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं उन 5 बड़े प्लेयर्स की जो कि आईपीएल के पार्ट टू में जो कि दुबई में होगा वहां पर ये प्लेयर्स रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल में कमबैक करेंगे, आईपीएल में एंट्री प्राप्त कर दुबई में आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है एरोन फिंच का। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट के कप्तान एरोन फिंच का आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर दोबारा से कमबैक करना 100% कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर केकेआर की टीम से मोस्ट लाइकली ओयन मॉर्गन आईपीएल के पार्ट टू में उपलब्ध नहीं होंगे। और जो बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम में अब एरोन फिंच की एंट्री हो जाएगी। ना सिर्फ केकेआर बल्कि राजस्थान रॉयल्स की टीम भी अब तो इनके पीछे दिखी है। तो कुल मिलाकर एरोन फिंच की तो अब आईपीएल के पार्ट टू में रिप्लेसमेंट के तौर पर एंट्री होना 100% कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर की तो दूसरे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर एलेक्स हेल्स का। दरअसल एलेक्स हेल्स की भी यहाँ पर आईपीएल के पार्ट टू में एंट्री 100% कंफर्म हो चुकी है। जहाँ पर इनके पीछे तो राजस्थान रॉयल्स की टीम लंबे समय से दिखी है और यहाँ पर यूएई जैसी कंडीशन में काफी सारे प्लेयर्स के बाहर होने पर इनके पीछे और भी टीमें होगी। मोस्ट लाइकली आरसीबी की टीम भी इनके पीछे जा सकती है और भी टीम इनके पीछे जा सकती है। तो कुल मिलाकर एलेक्स हेल्स की यहाँ पर आईपीएल के पार्ट टू में आईपीएल में एंट्री 100% कंफर्म दिख रही है। आईपीएल के पार्ट टू में ये दुबई में हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे प्लेयर की तो तीसरे नंबर पर नाम आता है न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स का। दरअसल यहाँ पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने इंग्लैंड में चल रही T20 ब्लास्ट में यहाँ पर बल्ले के साथ सबसे अधिक स्ट्राइक रेट से सबसे अधिक रन बनाए हैं और इनके फॉर्म को देखते हुए यहाँ पर इनकी भी आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर अब एंट्री लगभग कंफर्म दिख रही है। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में स्टीवन स्मिथ को ये रिप्लेस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने यह दावा किया कि स्टीवन स्मिथ की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हाल फिलहाल में इनके साथ कॉन्टेक्ट किया है। तो कुल मिलाकर अब आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की भी लगभग एंट्री दिख रही है। आईपीएल के पार्ट टू में ये भी हमें किसी न किसी टीम की तरफ से कन्फर्म रूप से खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे प्लेयर की तो चौथे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर नेपाल के स्पिन गेंदबाज संदीप लामिछाने का। दरअसल यूएई की कंडीशन में यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को काफी अधिक मदद मिलेगी और स्पिन गेंदबाजों का यूएई की कंडीशन में काफी अधिक रोल होगा। इसी वजह से संदीप लामिछाने का यहाँ पर यूएई का आईपीएल में कमबैक करना 100% कंफर्म हो चुका है। जहाँ पर आरसीबी की टीम में या फिर एमआई की टीम में यहाँ पर आईपीएल के पार्ट टू में खेलते हुए दिखेंगे। हो सकता है पंजाब की टीम में भी इनकी एंट्री हो जाए। कुल मिलाकर आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर संदीप लामिछाने की भी 100% कंफर्म एंट्री दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवे और आखिरी प्लेयर की तो पांचवे और आखिरी नंबर पर नाम आता है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट का। दरअसल कार्लोस ब्रेथवेट की अब आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर एंट्री के काफी अधिक चांसेस हो चुके हैं। जहाँ पर आरसीबी के डेनियल सेम्स का आईपीएल के पार्ट टू से रूल्ड आउट होना कंफर्म हो चुका है। तो डेनियल सेम्स को ये आरसीबी की टीम में रिप्लेस कर सकते हैं। आरसीबी की टीम में इस विस्फोटक ऑलराउंडर की एंट्री हो सकती है जो कि 3 से 4 ओवर गेंदबाजी कर सकता है और फिनिशिंग के रोल में यहाँ पर आरसीबी की टीम के लिए आईपीएल के पार्ट टू में हमें दिख सकता है। तो कुल मिलाकर इन 5 प्लेयर्स की आईपीएल के पार्ट टू में 100% कंफर्म रूप से हमें एंट्री देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन 5 प्लेयर्स में से आपकी फेवरेट टीम को कौन से प्लेयर को परचेस करना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम दुबई में आईपीएल की चैंपियन बनेगी। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।